मेरा नाम है अली मोहम्मद सर। मैं यहाँ से करीब 32 साल से शिकारा चल रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने ये देखा है, ये जो वबाई था ये हमने देखा है, कोरोना वायरस ये देखा है, और इससे हमको टूरिज्म को ऊपर बहुत असर पड़ा है। खासकर शिकारे वाले, हाउस बोट वाले, रिक्शे वाले, शॉप्स वाले, इनके पर। और भी गवर्नमेंट ने कहा था हम आपको थोड़ा कुछ देगा, लेकिन ये हमारा गवर्नमेंट, हमारा डिमांड था कम से कम 5-6 हज़ार रुपया। हमको भी मालूम था 5-6 हज़ार आएगा, लेकिन गवर्नमेंट देते ही 1,000 रुपया है। इससे 1,000 रुपये को क्या आएगा सर, आप ही समझो। ये 30 रुपया या 3 रुपया पर डे पड़ रहा है, ये अब खुद आएगा क्या 1,000 रुपया को? यह हमारे लिए जलालत है 1,000 रुपया पकड़ने के लिए। हमने यहाँ पर जो शिकारा का एसोसिएशन को, जो प्रेसिडेंट साहब है, हाउस बोट वाला एसोसिएशन का प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने वापस किया है ये पैसा। इससे अच्छा है अगर हम भीख मांगेगा वही अच्छा है। डिमांड है अगर इसको हेल्प हमको करना है, जो खासकर हम टूरिज्म वालों है साथ काम कर रहा है, अगर इसको हेल्प का कम से कम 6,000-5,000 रुपया अगर देगा महीने को, वो हमारे लिए अच्छा है। हमारा चूल्हा भी चला जाएगा, हमारा परिवार खुश हो जाएगा, हमारा बच्चा खुश हो जाएगा। 1,000 रुपया का कोई फैसला ही नहीं, 1,000 रुपया अभी इस वक्त कोई मान्य नहीं रखता है। 1,000 रुपया है मतलब अगर इनको आप डेली एवरेज दे देंगे 30 रुपया दिन को, आप अगर दूध ले लेगा, दूध का पैकेट आता है अभी 45 रुपीज़ कोई मान्य नहीं रखता इस वक्त। और हम लोग ऑलरेडी शिकार है 3 साल से, और हम कोई खैराते मांगता, हम उनको कंपनसेशन मांगता है, हमको कंपनसेशन हक हमारा बनता है, हमको कंपनसेशन दे दो। तो 1,000 रुपया से क्या ये दे देंगे हमको? 1,000 रुपया हम किसको दे देंगे? घर में हमको कम से कम 10-12 आदमी होता है, क्या हम 1,000 रुपया में उसको महीने को पालेंगे? 1,000 रुपया एक गैस सिलेंडर आता है भी 1,000 रुपया को, तो 1,000 रुपया से क्या दे देंगे? 1,000 रुपया जो है गवर्नमेंट ने हमको बोला था लास्ट ईयर, गवर्नमेंट ने हमको बोला था हम आपको फुल कंपनसेट करेंगे, क्योंकि हमारा इफेक्ट पड़ा है हाउस बोट वाले को। इस टाइम आप बोलो कि हर एक फैमिली कम से कम 900 हाउस बोट्स, ऑल 900 फैमिलीज आर सफरिंग दिस।